सो गाइस मिडिवियल पीरियड में क्या हुआ, वहां पे क्या हो गया था, फॉरेन रूलर्स इंडिया में बहुत ज्यादा आने लगे, और फॉरेन रूलर्स ने वहां पे क्या हुआ, तो जैसे फॉरेन रूलर्स इंडिया में आने लगे वैसे वैसे साथ में क्या होने लगा, फॉरेन रूलर्स वहां के कल्चर वहां के ट्रेडिशन को भी इंडिया में लाने लगे। वहां के कल्चर वहां के ट्रेडिशन के आने के साथ साथ यहाँ का कल्चर यहाँ का ट्रेडिशन जो मिक्सचर होकर क्या हो रहा था, ट्रेडिशनली और कल्चरली इंडिया और क्या हो रहा था, स्ट्रांग होते जा रहा था। तो ऐसे टाइम पे जो मैंने आपको बताया शुरुआत हुई हर्षचरित से, एंसेंट पीरियड में जो हर्षचरित ने फर्स्ट टाइम बायोग्राफी लिखी, तो उसके बाद क्या हो गया, एक जो ट्रेंड नहीं चल जाता है, ट्रेंड या फिर एक होड़ मच जाती है कि नहीं भाई मैं राजा बना। पहले क्या होता था, राजा बनते ही वो चालू हो जाते थे बायोग्राफी लिखने में, और बायोग्राफी लिखने में उनका एक इंटरेस्ट सबसे बड़ा ये भी हो जाता था कि राजा ये सोचते थे कि भाई मैंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, मैंने अपने टेन्योर पीरियड में मेरे किंगडम में क्या क्या बनवाया, मेरे किंगडम को मैंने कितना दूर तक एक्सटेंड किया, बड़ा किया, मेरे किंगडम में क्या क्या बेनिफिशियली ज्यादा चीजें हुई, वो सारी चीजें इन डिटेल में क्या चाहते थे, वो राजा बताना चाहते थे। तो ऐसे में क्या हो गया, वो स्टार्ट हुआ, तो फिर 12th सेंचुरी में जब एक बुक आई थी, दैट इज वेरी फेमस बुक। सो मिडिवियल पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छी चीज है वो बताने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पीरियड वो था मुगल एम्पायर का, मुगल रूलर्स का, तो वो हम लोग इन डिटेल में देखेंगे। तो राज तारंगिनी जो कि एक बुक लिखी गई थी, जिसे लिखा था कोल्हारा जिन्होंने ये बुक लिखी है राज तारंगिनी, जिसमें कि पूरे के पूरे क्या बताया गया, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताया गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन द व्यू ऑफ, देखेंगे हम लोग हिस्ट्री के व्यू से, कश्मीर के व्यू से हम लोग देखते हैं, तो कश्मीर की पूरी हिस्ट्री राज तारंगिनी बुक के अंदर 12th सेंचुरी में ही लिख दी गई थी। और उसमें एक और जो सबसे बड़ी चीज थी कि उसकी जो राइटिंग स्टाइल राइटिंग टेक्निक यूज की गई, दैट इज वेरी एडवांस एट दैट टाइम, उस टाइम की सबसे एडवांस टेक्निक थी, और मॉडर्न पीरियड तक उस टेक्निक में लोग लिखने की प्रैक्टिस करते रहे, बट दे आर अनेबल टू राइटिंग। तो मॉडर्न पीरियड तक की उसके अंदर जो लिखी लिखावट थी उसमें जो लिखने का तरीका था, कोल्हाना ने जो लिखा था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो वो एक बहुत ही मॉडर्न लेवल पे थी। उसके अंदर सारी चीजें बताई गई थी किस तरह कश्मीर में लोग कश्मीर बना, कैसे कश्मीर के लोग किस तरह से रहते हैं, उनका लिविंग हुड वो लोग किस तरह से खाते हैं, लोग उनके बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं, उनका ट्रेडिशन क्या, कल्चर क्या, इन डिटेल ये सारी चीजें उस बुक में मिली थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब किस तरह से इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के अंदर मिडिवियल पीरियड के अंदर जो रूलर्स थे, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में अपना शासन जमाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा फैलाया, कोशिश ही नहीं की बसरते फैलाया, तो उस टाइम पे जो इंडिया में कल्चर बना और उस टाइम पे जो इंडियन हिस्ट्री लिखी गई उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर था अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेजेस का। तो अरेबिक और पर्सियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मिला है जब जब भी हम लोग देखते हैं, तो अरेबिक मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें था। तो जिस तरह से स्टार्टिंग हुई थी बायोग्राफी लिखने की, तो अगेन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जियाउद्दीन बारानी ने तारीख़ फिरोजू शाही इस तरह का एक आर्टिकल एक बुक प्रिंट की थी, और उस प्रिंट बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मिली है जो बाद में आगे हमने स्टडी की, तब जाके हमें पता चला, मतलब जो हिस्टोरियन थे उन्हें पता चला कि दिस बुक इज द पर्पज ऑफ हिस्ट्री। वो बुक पूरी तरह से किस बेसिस पे लिखी गई थी कि पर्पज ऑफ हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री का पर्पज क्या है, क्यों हम लोग हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहिए, ये उस बुक में लिखा गया था जो कि जियाउद्दीन बुरानी ने लिखी थी। और उस बुक के बाद से लोगों को हिस्ट्री के पर्पस पता चले, लोगों के लिविंग रहने के तरीके, क्लाइमेट कंडीशंस, किंगडम डेस्टिनी और वो सब सारी चीजें को छोड़ के जो लिविंग और क्लाइमेट और मतलब अलग टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा जा सकते हैं, पॉलिटिकल व्यू से सोशल व्यू की तरफ ले जाना हिस्ट्री का पर्पस होना चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल उस बुक के अंदर लिखी गई। इसके बाद स्टार्ट हो गया वही जो मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखना। सो सबसे पहले बाबर जिन्हें की फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है, बाबर जिन्होंने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी जिसका नाम था तुजू की बाबरी जिसको उन्होंने लिखवाया था। सो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका किंगडम था, किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से उनका मतलब किंगडम में लोग रहते थे, उनका किंगडम कहाँ तक फैला हुआ था। फिर इन डिटेल आगे में जाते जाते उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने ट्रैवलिंग की अक्रॉस इंडिया अलग अलग सिटीज में ट्रैवलिंग की, तो उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिला, ये सारी चीजें डिटेल में वो उस आर्टिकल उस बुक के अंदर दिखाया गया है। इसके बाद आया था वेरी फेमस बुक जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इंडियन कल्चर को भी, और इंडियन कल्चर की पूरी जानकारी भी हमें आज तक मिलती है उस बुक से, दैट इज अबुल फजल्स बुक अकबरनामा। अकबरनामा के अंदर पूरा अकबर का शासन, जो अकबर शासन में क्या था, बहुत ज्यादा मुगल एम्पायर बढ़ गया था, सबसे ज्यादा बड़ा था, तो अकबर के शासन में जब बड़ा था मुगल शासन सबसे ज्यादा,
तो उस टाइम पे इंडियन कल्चर क्या था, इंडियन ट्रेडिशन क्या था, लोग किस तरह से रहते थे, वो सारी चीजें डिटेल में वहां पे देखने मिलती है अकबरनामा में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन द हिस्टोरियोलॉजी के हिसाब से, हम मिडिवल पीरियड की देखें तो सबसे अच्छी बुक है वो, दैट इज रिटन बाय अकबर फजल। देन उसके बाद एक उसके बाद हम देख सकते हैं कि फिर इंडियन कल्चर में अभी भी हम लोग देख रहे थे, उसके बाद मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई। मराठा एम्पायर जो अपोज करता था पूरी तरह से क्या अकबर शासन को, मुगल शासन को क्या करता था, पूरी तरह से अपोज करता था। तो इस तरह से वो टाइम पे मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के इन्फ्लुएंसिंग से, और मराठा एम्पायर शुरुआत हुई तो मराठा एम्पायर में भी हिस्टोरियोग्राफी को उन्होंने पूरा इंपॉर्टेंस दिया। तो हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर बहुत सारी चीजें वो टाइम पे लिखी जाती थी मराठा एम्पायर टाइम में, और इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, हिंदुइज्म, मराठा कल्चर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना और ये सारी चीज। तो वो टाइम पे कल्चर और ट्रेडिशन बढ़ा, तो हिस्टोरियोग्राफी जो है इंस्क्रिप्शन और लिखित में राइटिंग स्केल में बहुत ज्यादा इंडिया की हिस्ट्री वो टाइम की हमें मिलती है। सो उसका स्टार्ट जब हुआ था तो सबसे पहले बखर लिखना चालू किया था मराठा ने, बखर। सो बखर में बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो सबसे पहला बखर जो जिसको मिलता है हिस्ट्री में जब हम लोग स्टडी करने जाते हैं, दैट इज सभासद बखर। सभासद बखर जो जिनको लिखा था कृष्णा जी आनंद जी सभासद ने, जो कि छत्रपति राजा राम जी महाराज के टाइम की है, और छत्रपति राजा जी महाराज छत्रपति राजा राम महाराज के उसके इन्फॉर्मेशन उसमें सारी दी गई कि उस तरह पे मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर किस तरह से थे, मराठा एम्पायर कहाँ तक था, और इंडियन ट्रेडिशन वो टाइम पे क्या था, मराठा ट्रेडिशन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, खाते थे, पीते थे, और किस तरह से वो लोग लिविंग करते थे, सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद इस तरह से बखार लिखने की जो मतलब चलते रहा, तो जो कल्चर आगे बढ़ते रहा और बखार लिखने का क्या हो गया, मराठा लोगों में एक ताकत आती गई। तो इसके बाद एक और बखार लिखा गया था, दैट इज भाऊ साहेबाची बखैर। भाऊ साहेबाची बखार में भी भाऊ साहेबाची यानी आपको पता होगा पानीपत की लड़ाई, आप लोगों ने मूवीज भी देखी होगी, तो उसमें क्या मराठा एम्पायर का एक बहुत बड़ा रोल था पानीपत की लड़ाई में, तो जो मराठा एम्पायर थे। सो बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर भाऊ साहेबाची बखैर लिखी गई है, दैट इज वेरी फेमस बुक, और उस बुक को बहुत ज्यादा बार वापस वापस भी लिखा गया, दैट इज अगेन जो एक बुक लिखी गई थी सेम उसके ऊपर, बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर ही, दैट इज पानीपताची बखैर। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारी हिस्ट्री प्रिजर्व हो रही थी, जब हमारी हिस्ट्री सिक्योर हो रही थी, हमारी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करके किसी ने लिख के छोड़ा, तो उसी के बेस पे आज क्या है, आज मूवीज बन रही है, आज ट्रेडिशन हमें पता चल रहा है उस टाइम का। तो सारी चीज़ हमें कैसे पता चलती है, जब हमारी हिस्ट्री पहले के लोगों ने प्रिजर्व की है। सो मिडिवल पीरियड के अंदर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर के अंदर क्या हुआ, फॉरेन हिस्ट्री, फॉरेन कल्चर, फॉरेन ट्रेडिशन भी आके मिस हुए, और सबसे बड़ी ताकत इंडिया की क्या है कि वो जो कल्चर्स के लोग, ट्रेडिशन के लोग आए, उन्होंने क्या किया, इंडिया को अपनी कंट्री मानी और इंडिया में ही उन्होंने सेटल किया। तो इससे क्या हो गया, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन आर्ट बहुत एक ऊंचाई तक पहुंचा और बहुत आगे तक पहुंचा। तो इन डिटेल अभी और देखते हैं हम लोग कि मॉडर्न पीरियड में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और किस तरह से मिडिवल पीरियड में जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन आर्ट बढ़ा था, तो क्या आने वाले पीरियड में मॉडर्न पीरियड तक वो उतना ही बढ़ते रहा, या फिर वापस से उसमें कुछ कमी आई। तो यहां तक मिडिवल पीरियड जो है वो ब्रिटिश शासन के पहले तक का है, मॉडर्न पीरियड यानी यहां से ब्रिटिश रूल की बातें होगी, तो एंशिएंट पीरियड मतलब जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था। इसके बाद मिडिवल पीरियड के अंदर फॉरेन रूलर्स जिन्होंने इंडिया में काफी सालों तक राज किया, और उसके बाद आता है ये मॉडर्न पीरियड जहां पे क्या हो गया, कंट्रीज, कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज को क्या किया, राज किया। सो दैट विल स्टडी इन द वेरी डिटेल के मॉडर्न पीरियड में इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से डेवलप किया गया और उसमें किसका किसका इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है।